जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली की अदालत में पेश होने के लिए राबड़ी देवी पहुंची दिल्ली, लालू यादव और मीसा भारती को भी होना है पेश। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार देखने को मिल सकते हैं, अडानी मुद्दे को लेकर लामबंद हुआ विपक्ष। केंद्र सरकार के खिलाफ आज विपक्ष विरोध मोर्चा निकालेगा, संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च की तैयारी, अडानी मामले को लेकर दर्ज कराएंगे विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक, 18 विपक्षी दलों के नेता बैठक में रहेंगे मौजूद, संसद में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में कमांडर इन चीफ को मजबूत बनाने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे, रेलवे के अनुदान मांग पर भी होगी चर्चा। पिछले साल पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 9 अफसरों पर गिरी गाज, कार्रवाई की तैयारी में पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद की आज भी होगी सुनवाई, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यों की संविधान पीठ के पास है मामला। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल की जमानत याचिका पर हो सकती है आज सुनवाई, पंजाब की अदालत में आज आएगा फैसला। नासिक से मुंबई तक 180 किलोमीटर लंबे मार्च पर निकले 10,000 किसान, मुंबई पहुंचकर आजाद मैदान पर देंगे धरना। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में अयोध्या और काशी के विकास पर हुई चर्चा। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार करेगी भव्य कार्यक्रम का आयोजन, पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए मंत्रियों की कमेटी भी बनाई गई। लखनऊ निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बीएसपी सांसद, मायावती ने चुनाव का तैयार किया खाका, दिल्ली में जल्द होगी बीएसपी सांसदों की बैठक, सभी 10 सांसदों को मिलेगी जिम्मेदारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 मौके से फरार। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद में फायरिंग, पूर्व पार्षद ने अपने भतीजे की गोली मारकर की हत्या। यूपी के सोनभद्र में जमीन की नापी के लिए रिश्वत ले रहे कानूनों रंग हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की वाराणसी और मिर्जापुर की टीम ने पकड़ा। पंजाब के फाजिलका में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई, कार में सवार एक महिला की मौत, 1 घायल। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, पढ़ाई और हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलने से थी डिप्रेस। महाराष्ट्र के पुणे में पेंट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आए 5-6 सिलेंडरों में भी हुई विस्फोट। मुंबई में झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग ने लिया विकराल रूप, इलाके में मची अफरातफरी। यूपी के कौशाम्बी में सवारी बैठने को लेकर 2 ऑटो चालकों समेत कई लोगों में जमकर मारपीट, पिपरी थाना क्षेत्र का मामला वीडियो वायरल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ सकती है, हो सकती है गिरफ्तारी, इमरान के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात। जूनियर एनटीआर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पर पहुंचे, ऑस्कर जीतने पर कहा मुझे आरआरआर पर बहुत गर्व। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को डॉक्टरेट की उपाधि से किया गया सम्मानित।